दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है करमता, आप देख रहे हैं स्मार्ट पॉइंट। एंड आज की इस वीडियो में यूनो एसबीआई एंड यूनो लाइट एसबीआई दोनों के बीच में कंपैरिजन करने वाला हूँ कि कौन सा सबसे ज्यादा बेस्ट एंड किस में क्या सर्विस देखने को मिलती है, क्या यूनो लाइट में है एंड क्या यूनो एसबीआई में, दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या फर्क है, इन दोनों में कौन सा सबसे ज्यादा बेस्ट है, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। एंड मैंने जहां तक अपना किया है मैंने सारे पॉइंट कवर किए, अगर मेरे से कोई पॉइंट यहाँ पर रह जाता तो उसके लिए मैं आपसे माफी चाहूंगा, सॉरी बोल रहा हूँ अभी से, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं हर एक पॉइंट यहाँ पर कवर कर लूँ, लेकिन मैंने ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर पॉइंट कवर किए जो कि आप लोगों को काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर समझने वाले हैं। एंड यहाँ पर मैं बता देता हूँ, यूनो लाइट में जो हमको सर्विस देखने को मिलती है, यूनो एसबीआई में जो हमको सर्विस देखने को मिलती है, या फिर जो यूनो लाइट में नहीं देखने को मिलता है, जो यूनो एसबीआई में देखने को मिलता है, वो सारा का सारा आज की इस वीडियो में बताऊंगा। एंड आपको जो भी कन्फ्यूजन है दोनों एप्लीकेशन लेकर, तो वो दोनों एप्लीकेशन को भी हम कन्फ्यूजन निकाल देंगे। सबसे पहले समझिए, यहाँ पर जो यूनो लाइट एंड यूनो एसबीआई दोनों ऑफिशियल ऐप है यहाँ पर एसबीआई के, ठीक है। यहाँ पर हमको काफी ज्यादा सुविधाएं मिलती है यहाँ पर यूनो में या फिर यूनो लाइट कह लूँ मैं, दोनों में, ठीक है। तो बिना समय गवाए हम आपका वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड आपको हम डिफरेंस बता देते हैं कि यूनो लाइट में एंड यूनो ऐप में क्या क्या डिफरेंस है यहाँ पर। तो चलिए आपका वीडियो में स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे बात करेंगे सबसे पहले सेम फीचर्स की, कि हमको दोनों एप्लीकेशन के अंदर जो है सेम फीचर्स कौन कौन से जो है देखने को मिल जाते हैं। तो नंबर एक पर यहाँ पे दोनों ही एसबीआई के ऑफिशियल ऐप हैं, यहाँ पे कोई भी जो है आपको दिक्कत वाली बात नहीं होने वाली है, तो दोनों ही जो है ऑफिशियल ऐप हैं। दूसरे नंबर पे यहाँ पे आप जो है न्यू इंटरनेट बैंकिंग दोनों ही एप्लीकेशन की मदद से क्रिएट कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे आता है यूजर आईडी और पासवर्ड सेम रहता है दोनों एप्लीकेशन का, चाहे आप जो है यूनो में लॉगिन करें या यूनो लाइट एसबीआई में लॉगिन करें। चौथे नंबर पर आता है जब आपको लॉगिन करते हैं तो यहाँ पे ऑल अकाउंट शो कर देते हैं, चाहे आपका आरडी एफडी या जो है सेविंग या लोन कोई भी अकाउंट है, वो आपको सारे अकाउंट यहाँ पे शो हो जाएंगे और आप जो है बैलेंस भी चेक कर सकते हैं। पांचवें नंबर पे आता है फंड ट्रांसफर, जो दोनों में ही कर सकते हैं। छठे नंबर पे आता है ऐड बेनिफिशियरी को लेके, जो कि आप दोनों ही एप्लीकेशन की मदद से कर पाएंगे। सातवें नंबर पे आता है एडिट बेनिफिशियरी, जो कि आप दोनों ही एप्लीकेशन की मदद से कर पाएंगे। आठवें नंबर पे आता है न्यू अकाउंट ओपनिंग, आरडी एफडी मोड अकाउंट, तो ये आप दोनों ही एप्लीकेशन की मदद से ओपन कर सकेंगे। नवे नंबर पे आता है क्लोज आरडी एफडी एंड मोड अकाउंट, यानी कि ऑनलाइन आप जो है क्लोज भी कर सकते हैं। दसवें नंबर पे आता है क्विक ट्रांसफर, जो दोनों ही एप्लीकेशन की मदद से आप कर सकते हैं। क्विक ट्रांसफर का मतलब तो आप समझते हैं, बिना बेनिफिशियरी को ऐड किए हुए किसी भी अकाउंट में बैलेंस को ट्रांसफर करना। ग्यारहवें नंबर पे आता है यूपीआई फंड ट्रांसफर, ये भी आप दोनों ही एप्लीकेशन की मदद से कर पाएंगे। बारहवें नंबर पे आता है अकाउंट स्टेटमेंट, जो दोनों ही एप्लीकेशन में आपको देखने को मिल जाएगा। तेरहवें नंबर पे आता है मोबाइल एंड डीटीएच रिचार्ज, जो आप दोनों ही एप्लीकेशन की मदद से कर पाएंगे। चौदहवें नंबर पे आता है किसी भी पोस्टपेड का जो है बिल पेमेंट करना, और साथ में जो है एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम जमा करना, जो आप दोनों ही एप्लीकेशन की मदद से कर पाएंगे। पंद्रहवें नंबर पे आता है चेकबुक को अप्लाई करना, ये भी आप दोनों एप्लीकेशन में कर पाएंगे। सोलहवें नंबर पे आता है चेकबुक को स्टॉप करना, ये भी आप दोनों ही एप्लीकेशन में कर पाएंगे। सत्रहवें नंबर पे आता है मैनेज डेबिट कार्ड, यानी कि डेबिट कार्ड के फीचर्स को मैनेज करना। अठारहवें नंबर पे आता है नॉमिनी का नाम जो है शो होना, जो कि दोनों एप्लीकेशन में आपको शो हो जाएगा। उन्नीसवें नंबर पे आता है टीडीएस की इंक्वायरी करना, कि आपसे क्या टीडीएस कटा हुआ है इसकी इंक्वायरी करना। बीसवें नंबर पे आता है 15G और 15H फॉर्म फिल करना। इक्कीसवें नंबर पे आता है एम पिन फीचर, जो दोनों ही एप्लीकेशन में आपको मिल जाता है, जब आप मोबाइल एप्लीकेशन में लॉगिन करते हैं तो वहाँ पे जो एम पिन डालना पड़ता है, ये फीचर्स आपको दोनों ही एप्लीकेशन में देखने को मिल जाता है। और 22वां और लास्टवां हमारा जो पॉइंट है वो है यूजर आईडी और पासवर्ड के थ्रू एप्लीकेशन को लॉगिन करना, जो कि आपको दोनों ही एप्लीकेशन में ऑप्शन मिल जाता है। तो ये थे 22 सेम फीचर्स जो हमको दोनों ही एप्लीकेशन में देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं योनो लाइट एसबीआई और योनो एप्लीकेशन में अब हमको क्या क्या डिफरेंस देखने को मिलता है। अभी तक जो पॉइंट मैंने आपको बताए हैं वो सेम है, दोनों ही एप्लीकेशन में आपको मिल जाएंगे। अब बात करेंगे कि कौन से एप्लीकेशन में कौन सा फीचर्स मिलेगा और कौन से में नहीं मिलेगा। तो पहले नंबर पे आता है फॉरगेट यूजर नेम और फॉरगेट लॉगिन पासवर्ड, जो कि आपको बगैर लॉगिन किए हुए मिल जाता है। ये फीचर्स आपको योनो लाइट एसबीआई में एक्स्ट्रा मिल जाता है। दूसरे नंबर पे आता है इंटरनेट बैंकिंग को लॉक या अनलॉक करना, जो हमें योनो लाइट एसबीआई में मिलता है, योनो में नहीं मिलता है। तीसरे नंबर पे आता है ऐड बेनिफिशियरी बगैर पेमेंट ट्रांसफर किए हुए, ये ऑप्शन आपको योनो लाइट एसबीआई में मिलता है, जबकि योनो के अंदर हम जब किसी को बैलेंस को ट्रांसफर करते हैं उसी टाइम जो है किसी को ऐड कर सकते हैं, लेकिन योनो लाइट एसबीआई में हम अगर बैलेंस को अभी ट्रांसफर नहीं करना चाह रहे हैं, बाद में करना चाह रहे हैं, तब भी जो है उसे ऐड कर सकते हैं। चौथे नंबर पे आता है सेंड यूपीआई पेमेंट विदाउट जनरेट यूपीआई आईडी, जी हाँ, ये एक्स्ट्रा फीचर आपको योनो लाइट एसबीआई में मिल जाता है, जहां पे आप यूपीआई पेमेंट तो भेज सकते हैं लेकिन यूपीआई आईडी जनरेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पांचवें नंबर पे आता है
एम कैश मनी सेंड, ये आपको योनो लाइट एसबीआई में मिलेगा, योनो में नहीं मिलेगा। छठे नंबर पे आता है एमएमआईडी को जनरेट करना और कैंसिल करना। सातवें नंबर पे आता है एसबीआई वर्चुअल कार्ड को जनरेट करना, जो योनो लाइट एसबीआई में आपको मिलता है, योनो में नहीं मिलता है। आठवें नंबर पे आता है एम पासबुक, जिसकी मदद से आप पासबुक भी देख सकते हैं। और नवे नंबर पे आता है ई स्टेटमेंट सब्सक्रिप्शन, यानी कि अगर आप ई स्टेटमेंट को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको मंथली स्टेटमेंट आपको अपनी मेल आईडी पे मिल जाया करेगा। दसवें नंबर पे आता है पिछले काफी समय का जो है स्टेटमेंट डाउनलोड करना चाह रहे हैं, तो वो ऑप्शन आपको मिलता है योनो लाइट एसबीआई में, जबकि योनो में आपको लिमिटेड टाइम मिलता है, ज्यादा पुराना स्टेटमेंट आप वहाँ पे डाउनलोड या व्यू नहीं कर सकते। ग्यारहवें नंबर पे आता है एनसीएमसी डेबिट कार्ड प्लस टॉपअप करना। अगर एनसीएमसी डेबिट कार्ड प्लस के बारे में नहीं जानते हैं आप, तो आप मुझे कमेंट करना, तो मैं इस टॉपिक पर जो एक फ्रेश वीडियो बना दूंगा। बारहवें नंबर पे आता है एसबीआई प्रीपेड कार्ड को टॉपअप करना। तेरहवें नंबर पे आता है क्रेडिट कार्ड वीजा ट्रांसफर। चौदहवें नंबर पे आता है आधार लिंकिंग, यानी कि आधार कार्ड को अपने अकाउंट से लिंक करना, हालांकि ये सर्विस अभी टेम्परेरी बंद है, लेकिन जल्दी शुरू होने की संभावना है। पंद्रहवें नंबर पे आता है आप अगर सब्सिडी लेते हैं अकाउंट में, तो सब्सिडी से आधार कार्ड को जोड़ना। सोलहवें नंबर पे आता है एसबीआई वॉइस असिस्टेंट, जो आपकी सपोर्ट करेगा, तो आप यहाँ पे एक तरीके से वॉइस चैटिंग वगैरह भी कर सकते हैं। और सत्रहवें नंबर पे आता है ऐड लिंक फेवरेट, एक फेवरेट का ऑप्शन होता है जहाँ पे आप जो लिंक ऐड कर देंगे, तो वहां से डायरेक्टली यानी कि शॉर्टकट कह सकते हैं आप उसे जो है आप यहाँ पे एक्टिव कर सकते हैं। अठारहवें नंबर पे आता है मैनेज फेवरेट, यानी फेवरेट लिस्ट में आप कोई भी चेंजिंग करना चाहते हैं वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये फीचर्स तो हमको मिल जाते हैं योनो लाइट एसबीआई एप्लीकेशन के अंदर, जो हमें योनो एप्लीकेशन के अंदर नहीं मिलते हैं। आप बात करते हैं कि योनो एप्लीकेशन में हमें जो फीचर्स मिलते हैं और योनो लाइट एसबीआई में हमें नहीं मिलते हैं। तो पहले नंबर पे यहाँ पे आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है अकाउंट ओपनिंग, यानी कि अगर आप कोई नया अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो योनो एप्लीकेशन की मदद से कर सकते हैं, जबकि योनो लाइट एसबीआई की मदद से नहीं कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे आता है योनो कैश, जो अभी बहुत ही क्रेज पे चल रहा है। योनो कैश, जैसा कि मैं आपको बहुत वीडियो बना के दे भी चुका हूं इस टॉपिक पे, योनो कैश एक ऐसी सर्विस है जो बगैर एटीएम कार्ड के काम करता है। आप किसी भी एटीएम, पॉस या शॉपिंग मॉल में जाके अपनी कोई भी जो है शॉपिंग कर सकते हैं या एटीएम से विड्रॉल कर सकते हैं बिना एटीएम कार्ड के। तीसरे नंबर की बात करें तो योनो इंस्टा लाइव सिक्योर यहाँ पे मिल जाता है, तो ये केवल आपको योनो एप्लीकेशन में मिलेगा, योनो लाइट एसबीआई में नहीं मिलेगा। चौथे नंबर की बात करें यहाँ पे मिलता है योनो कृषि, योनो कृषि एग्रीकल्चर से संबंधित है, यहाँ पे जो है किसान भाइयों के लिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन दिए हुए हैं, उनको मंडी भाव वगैरह खरीद बेच करना जो भी है यहाँ से वो कर सकते हैं। पांचवें नंबर पे आता है यूपीआई आईडी को क्रिएट करना एंड यूपीआई पे के सारे फीचर्स यूज करना, जैसे कि क्यूआर कोड वगैरह स्कैन करना हुआ, पेमेंट वगैरह करना हुआ, तो ये सारी फैसिलिटी आपको मिलती है योनो एप्लीकेशन के अंदर। योनो लाइट में ये फैसिलिटी आपको नहीं मिलती है, वहां पे ओनली केवल आपको यूपीआई पेमेंट ट्रांसफर मिलता है। छठे नंबर की बात करें तो योनो एप्लीकेशन की मदद से आप कोई भी लोन अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि गोल्ड लोन हो गया, एजुकेशन लोन हो गया, कार लोन हो गया, होम लोन हो गया या पर्सनल लोन हो गया, तो इस तरीके के लोन जो है आप जो ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं। सातवें नंबर की बात करें एसबीआई पॉलिसी भी आप यहाँ पे खरीद सकते हैं, कोई भी एसबीआई लाइफ का इंश्योरेंस कराना चाहते हैं तो योनो एप्लीकेशन की मदद से आप करा सकते हैं। आठवें नंबर पे आता है अकाउंट ओपनिंग को लेके, जहाँ पे आप जो है म्यूचुअल फंड, शिप और डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं और उनको लिंक कर सकते हैं, लिंक करने के बाद सारी सर्विस भी यूज कर सकते हैं। नवे पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे शॉपिंग ऑफर भी आपको मिलते रहते हैं योनो एप्लीकेशन के अंदर, जबकि योनो लाइट एसबीआई में हमें कोई भी शॉपिंग ऑफर या डिस्काउंट वगैरह नहीं मिलता है। दसवें नंबर पे आता है रिवार्ड पॉइंट देखना, यहाँ पे आप रिवार्ड पॉइंट भी देख सकते हैं। ग्यारहवें नंबर पे आता है रिवार्ड पॉइंट को रिडम करना, जिसपे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है कि रिवार्ड पॉइंट को रिडम कैसे करते हैं, रिवार्ड पॉइंट के बारे में आपको पूरी जानकारी दी हुई है। बारहवें नंबर की बात करें यहाँ पे मोबाइल नंबर भी आप अपना अपडेट कर सकते हैं, हमने इस पे भी वीडियो बनाया हुआ है, आप कोई भी मोबाइल नंबर अपना जो है यहाँ पे चेंज कर सकते हैं बगैर ब्रांच जाए हुए। तेरहवें पॉइंट की बात करें यहाँ पे पैन नंबर भी आप अपना लिंक कर सकते हैं अपने अकाउंट के साथ में, अपडेट करना चाहते हैं अपडेट भी कर सकते हैं। चौदहवें नंबर की बात करें यहाँ पे ईमेल आईडी भी आप अपडेट कर सकते हैं, इस पे भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आपकी मेल आईडी रजिस्टर्ड नहीं है तो यहाँ से आप रजिस्टर्ड भी कर सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। पंद्रहवें नंबर की बात करते हैं यहाँ पे अकाउंट टाइप भी आप जो है चेंज कर सकते हैं, जबकि योनो लाइट एसबीआई में नहीं कर सकते हैं। सोलहवें नंबर की बात करें तो यहाँ पे आपको जो है पासवर्ड से रिलेटेड ऑप्शन मिल जाते हैं, जहाँ पे आप अपना लॉगिन पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, प्रोफाइल पासवर्ड चेंज कर सकते हैं और जो है एम पिन भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन एप्लीकेशन को लॉगिन करने के बाद। सत्रहवें नंबर की बात करें तो योनो एप्लीकेशन के अंदर आप जो है प्रोफाइल पासवर्ड को भी चेंज कर सकते हैं, वो भी अपने केवल एटीएम कार्ड से बिना ब्रांच में गए हुए। अठारहवें पॉइंट की बात करते हैं तो यहाँ पे अपने अकाउंट पे अगर आपने ट्रांजेक्शन राइट नहीं ले रखा है तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन राइट भी आप ले सकते हैं। उन्नीसवें पॉइंट की बात करें तो योनो एप्लीकेशन के अंदर आप जो है अकाउंट को अपना जो है ट्रांसफर भी कर सकते हैं, आप कहीं अपना अकाउंट ट्रांसफर करके ले जाना चाहते हैं तो योनो एप्लीकेशन की मदद से आप जो है अकाउंट को ट्रांसफर भी कर सकते हैं। बीसवें पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे आप अपना नॉमिनी का नाम चेंज भी कर सकते हैं, जबकि योनो लाइट एसबीआई के अंदर आप केवल कैंसिल और देख सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते हैं। इक्कीसवें पॉइंट की बात करते हैं तो योनो एप्लीकेशन में आप जो है रेल टिकट बुकिंग वगैरह भी कर सकते हैं। बाईसवें पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे अपना एसएमएस अलर्ट भी आप जो है मैनेज कर सकते हैं कि कौन सी सर्विस पे आपको एसएमएस चाहिए या नहीं चाहिए। तेईसवें पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे अपना नया एटीएम कार्ड भी आप अप्लाई कर सकते हैं, जबकि योनो लाइट एसबीआई के अंदर ये ऑप्शन आपको नहीं मिलता है। चौबीसवें पॉइंट की बात करें यहाँ पे आप अपना एटीएम कार्ड लॉक भी कर सकते हैं। पच्चीसवें पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे एटीएम कार्ड को आप एक्टिवेट भी कर सकते हैं। छब्बीसवें पॉइंट की बात करें तो योनो एप्लीकेशन की मदद से आप एटीएम कार्ड का पिन भी चेंज कर सकते हैं। सत्ताईसवें पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे आप जो है क्रेडिट कार्ड को भी अप्लाई कर सकते हैं। अट्ठाईसवें पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे अपने क्रेडिट कार्ड को आप लिंक भी कर सकते हैं और उसकी सर्विस को यूज भी कर सकते हैं।
29वें पॉइंट की बात करें तो योनो एप्लीकेशन के अंदर आप जो है किसी भी SBI लाइफ इंश्योरेंस को ले सकते हैं। 30वें पॉइंट की बात करें तो SBI की कोई भी पॉलिसी आपने ले रखी हो तो उसे आप जो है लिंक भी कर सकते हैं और उसकी सर्विस को यूज भी कर सकते हैं। 31वें पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे पेंशन स्लिप भी आप अपनी जो है निकाल सकते हैं। 32वें पॉइंट की बात करें तो योनो एप्लीकेशन की मदद से आप जो है इंटरनेट बैंकिंग जो है विदाउट ATM कार्ड के भी क्रिएट कर सकते हैं, जिसपे मैंने हाल ही में वीडियो बनाए हुए हैं। और 33वें पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल जाता है क्रिएट ए न्यू ड्रीम का, तो वहाँ पे आप ड्रीम भी क्रिएट कर सकते हैं। 34वें पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे रिवार्ड पॉइंट जो आपको मिलते हैं उनका पूरा स्टेटमेंट भी आप देख सकते हैं। और 35वें पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है आपको एक चैटबॉट का, तो ये चैटबॉट सर्विस भी आप जो है यूज कर सकते हैं, जो योनो लाइट SBI में नहीं मिलता है, वहाँ पे दूसरी सर्विस मिलती है, लेकिन यहाँ पे आपको चैटबॉट का ऑप्शन। तो आई होप जो वीडियो आपको काफी अच्छा लगा वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना, चैनल तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आगे की ऐसी वीडियो देखने के लिए हम मिलते हैं आपसे दूसरी वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।